अस्सलामुअलैकुम। आलू कतली बनाने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना काफ़ी ईजी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आलू कतली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं और इनको पील करने के बाद हमें मीडियम से स्लाइस में कट कर लेना है। ज़्यादा मोटे स्लाइस में हमें इनको नहीं कट करना है। इनको अच्छे से वॉश करने के बाद स्ट्रेन कर लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर एक ड्राई मसाला बनाकर रेडी कर रही हूँ। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ड्राई रेड चिल्ली ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। अब इनको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। एक मिनट के लिए हम इनको ऐसे कंटिन्यू स्टर करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। देन हम इनको ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही खुशबूदार ये मसाला बनके तैयार होता है और इससे आलू कतली में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलिए हम आलू कतली को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ कप मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से हीट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 प्याज और इनको हमें चॉप कर लेना है। अब इनको हमें 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, जिससे कि प्याज हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे। देन इसमें ऐड कर लेंगे 1 टमाटर और टमाटर के साथ ही 1 टेबल स्पून नमक यहाँ पर शामिल कर लेंगे, जिससे कि ये टमाटर बहुत इजीली सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इनको भी हमें 30 से 40 सेकेंड्स तक फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसमें आलू को डाल देंगे, जिनको हमने कट करके रखा था। स्ट्रेन करने के बाद इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, तब हमें इनको ऐड करना है और इसके साथ ही 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर 50% तक हमें आलू को सॉफ्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने इनको कवर कर दिया है। बहुत इजी सी यह आलू कतली की रेसिपी बनके तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। ऐसे तो काफ़ी टाइम से आलू कतली की रेसिपी बनाई जाती है, पर आप एक बार इस तरह से भी बनाकर ज़रूर देखें। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी और इसको बनाना भी काफ़ी ईजी है। अभी यहाँ पर मैंने आलू को चेक कर लिया है, तो ये आप देख सकते हैं 50% आलू सॉफ्ट हो गए हैं। इस पॉइंट पर हमें इसमें शामिल करना है मसाला, जिसको हमने रोस्ट करने के बाद ग्राइंड कर लिया था। इस मसाले को हमें थोड़ा दरदरा सा ही ग्राइंड करना है, इससे आलू कतली का लुक और टेस्ट दोनों ही बहुत ज़बरदस्त आता है। मसाले को शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर इसमें 1/2 कप पानी को शामिल कर लूँगी, जिससे कि जो 50% आलू सॉफ्ट होंगे वो इजीली हो जाएंगे। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इसको कवर कर देना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको 5 मिनट के लिए कुक करना है। ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।